बुद्धि अंक पता करन दा सूत्र, इंटेलीजेंसी की है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, इंटेलीजेंस शब्द किहड़ी भाषा तो आया, फस्ट परसन जिन्हें इंटेलीजेंसी की स्टडी की सी, फादर ऑफ इंटेलीजेंस, फादर ऑफ इंटेलीजेंस टैसट, इन्ह सारे बारे असं डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो, उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आएगी। जे तुम वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों जरूर शेयर करो। साढ़े को फस्ट क्वेश्चन ये क्रिएट हों कि इंटेलीजेंस कि भाषा का शब्द है, तो इंटेलीजेंस है जो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द इंटैली जेर तो बने जी, जिहदा अर्थ हुंदा टू अंडरस्टैंड। केड़ी भाषा का शब्द है जी? लैटिन। लैटिन भाषा के शब्द इंटैलीजेर तो बने है, जिहदा मीनिंग हुंदा जी टू अंडरस्टैंड। इंटैलीजेंस लैटिन भाषा के शब्द इंटैलीजेर तो बने, जिहदा मीनिंग हुंदा टू अंडरस्टैंड। तो फस्ट परसन जिन्हें इंटैलीजेंसी की स्टडी की सी, वह सीगा जी फ्रांसिस गैल्टन। ये फस्ट परसन सी। इस परसन नू फादर ऑफ इंटैलीजेंस कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन एक क्लीयर कर देनी चाहना इतनी, जो फादर ऑफ इंटैलीजेंस पूछा जाए तो फ्रांसिस गैल्टन, तो जो फादर ऑफ इंटैलीजेंस के नाल टैसट लग के सानू क्वेश्चन पूछते हैं, फिर साढ़े को आंसर आएगा जी बिने का। ओके, फिर साढ़े को आंसर कि आएगा जी बिने का। क्लीयर? कला फादर ऑफ इंटैलीजेंस पूछे जाता तो फ्रांसिस गैल्टन रहेगा, ये इंटैलीजेंस टैसट का पितामा पूछा जाएगा तो अल्फर्ड बिने। उस तो बाद अगे चलते हैं। इंटैलीजेंस की डेफिनेशन के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम आया से वो ये द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अपलाई नॉलेज स्किल्स, एबिलिटी टू अडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट अबस्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये तिने वर्ड है जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन का आंसर बन गए। बुद्धि की है? समायोजन करने की योग्यता होंगी है जी, सीखने की योग्यता होंगी है, तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होंगी है। बुद्धि नू अमूर्त चिंतन करने की जिहड़ी योग्यता है, ये किहदे द्वारा कहा गया जी? ये टर्मन द्वारा कहा गया। यह बुद्धि एक एबस्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये किहदे द्वारा कहा गया जी? बुद्धि एक अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होंदी है किसी व्यक्ति की, ये टर्मन द्वारा सिद्धांत दिता गया। अगे गल करते हैं जी आप नैक्सट क्वेश्चन की। तो आई क्यू जिहड़ा दिता सी, जिन्हों असी बुद्धि अंक बोलते हैं, इंटैलीजेंस क्वेश्चन बोलिया जाता जी इनू, आई क्यू जिहड़ा दिता गया विलियम स्टर्न ने 1912 के दिता सी। आई क्यू दे क्वेश्चन का कई बार आंसर है जिहड़ा स्टूडेंट्स द्वारा मोस्टली अल्फर्ड बिने दिता जाता जी। तो तुहाडी कन्फ्यूजन क्लीयर करके तुहानू दस दईए, कला आई क्यू का सूत्र जिहड़ा फॉर्मूला देने वाला व्यक्ति विलियम स्टर्न सी। अल्फर्ड बिने द्वारा सिर्फ मैंटल एज का कंसैप्ट दिता गया सी, जिहड़ा उन्हें 1908 विच दिता सी, क्योंकि बिने जिहड़ा परसन है इनू फादर ऑफ इंटैलीजेंस टैसट कहा जाता है, फादर ऑफ इंटैलीजेंस टैसट। ये द्वारा 1905 के सब तो पहला जिहड़ा इंटैलीजेंस टैसट है जिहड़ा वो कर लिया गया सी, इस करके इनू बुद्धि दे टैसटां दा पितामा मनिया जाता है। तो जे असी इत्थे क्वेश्चन एक होर क्लीयर कर लीए कि इंडिया दे विच सब तो पहला कदों होया सी, तां ओह 1922 दे विच सी एच राइस द्वारा जिहड़ा इंटैलीजेंसी दा टैसट आ ओह कीता गया। एक बार मैं रिपीट कर दिंदा फिर, आई क्यू जिहड़ा दिता गया सी सब तो पहला विलियम स्टर्न ने दिता, मैंटल एज का कंसैप्ट है जिहड़ा बिने द्वारा 1908 च दिता गया सी, ते जिहड़ा अल्फर्ड बिने आ इन्हें अपना जिहड़ा सब तो पहला बुद्धि दा टैसट आ ओह 1905 दे विच दिता सी, इस करके उन्हें फादर ऑफ इंटैलीजेंसी टैसट मनिया जाता है। इंडिया दे विच जिहड़ा बुद्धि दा टैसट सब तो पहला होया सी 1922 दे विच सी एच राइस द्वारा किया गया। अगे गल करते हैं, आसी क्वेश्चन क्लीयर कर चुके हैं। आई क्यू का सूत्र दे नाल व्यक्ति विलियम स्टर्न सीगा 1912 दे विच, इसे आई क्यू नूं जिहड़ा यूज़ किया सीगा वह टर्मन ने 1916 दे विच किया सीगा। ये आई क्यू का जिहड़ा सूत्र वह की सी, इहनूं किस तरीके नाल यूज़ किया जाता, तो मानसिक उम्र के सिद्धांत बारे असीं क्लीयर कर चुके हैं। 1908 दे विच बिने ने MA दित्ती सी, ते बिने द्वारा बुद्धि दे टैसट जिहड़ा सब तो पहला 1905 च किया गया सी।
नैक्सट गल करते हैं कि जो आई क्यू का सूत्र से की सी। तो जो आई क्यू का सूत्र है वह सी है जी आई क्यू इज इक्वल टू एम ए बटा सी ए गुणा सौ। यह सूत्र है जी, इस फॉर्मूले 1912 विलियम स्टर्न ने दिता सीगा। तो इस फॉर्मूले पहली बार यूज़ किया गया सी 1916 टर्मन द्वारा। बुद्धि के सूत्र के काम करने वाले तीन व्यक्ति हो गए, क्योंकि जी एम ए है ये बिने 1905 ऑलरेडी दे चुके हैं 1905। तो इन द्वारा बिने की एम ए खोली, इन्होंने अपना सूत्र बनाता 1912। एक बंदा बना गया 12 के, इन्होंने यूज़ कदों किया 1916। आई क्यू असी बुद्धि अंक बोलते हैं, इंटेलीजेंस कोशेंट कहा जाता है। एम ए की होंगे जी मानसिक उम्र होंगी है, मानसिक उम्र। तो उस बाद जिहड़ा सी ए है इनू क्रोनोलॉजिकल एज बोलिया जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब इसनू वास्तविक उम्र भी बोलिया जाता है, तो शरीरक उम्र भी कहा जाता है। जिहड़ी चीज़ तुहानू ना पता लगी प्लीज़ सानू पूछ सकते हो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जाके। तो आप इस फॉर्मूले यूज़ करन बारे दसदे हां किस तरीके नाल इन्हां यूज़ किया जाता है। सूत्र बारे असी गल कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन है, 8 साल के सुधीर की मानसिक उम्र किनी है जी, 10 साल है। तो वह बौद्धिक अंक मतलब बुद्धि अंक की होएगा। सूत्र बारे असी गल की सी कि एम ए बटा सी ए गुणा सौ है। तो देखो मैंटल एज जी सानू किनी दीती हुई है, 10 दीती हुई है। सी ए किनी है जी वो 8, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ना भी 8 साल का सुधीर। इट मीनस जी 8 साल उम्र है बच्चे की, वो यदि वास्तविक उम्र रहेगी जां उसनू शरीरक उम्र बोला जाएगा, शरीरक उम्र। ओके, तो असी यदा आई क्यू फाइंड करना भी यदा बुद्धि अंक की होएगा। सब तो पहला उपर वाला पोर्शन साडा एम ए का रहेगा, नीचे वाला सी ए का रहेगा, मल्टीप्लाई 100। तो असी इनू डिवाइड करांगे इस तरीके दे नाल, 2 दे टेबल ते डिवाइड करके अपने कोल आ बन जाएगा, 4 ते डिवाइड करके साडे कोल बन जाएगा 25। तो 5 नू 25 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां साडे कोल जिहड़ी वैल्यू बनेगी वह 125 बनेगी। तो जिहड़ा फोर्थ ऑप्शन आ साडी वह इहदा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि क्लीयर हो चुका होगा। ठीक है, इनू तुसीं दोबारा रीप्ले करके देख सकते हो। तो मैंटल एज जिहड़ी सी वह 10 सी, 8 साल का सुधीर सी, तो असी इनू सॉल्व किया तो 125 जिहड़ा उहदा बुद्धि अंक बन जाएगा। ओके क्लीयर है जी, अगे चलते हैं। आ क्वेश्चन भी एग्जाम दे विच आ चुके हैं जी। इस क्वेश्चन दे विच थोड़ा चेंजस है, चेंजस ये है भी कहिंदे रमेश अते अंकित दा आई क्यू समान है। इट मीनस दो व्यक्ति है, दो स्टूडेंट है, उन्हों का आई क्यू 120 दिता हुआ। कहिंदे जे रमेश अंकित तो 2 साल छोटा है तो अंकित की उम्र 12 साल की है, तो रमेश की उम्र किन्नी होगी। तो सानू साडे कोल इत्थे अंकित की जिहड़ी उम्र दित्ती हुई है, अंकित की उम्र 12 साल की है, तो इट मीनस ये उस परसन की सी ए है जिसनों असी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक उम्र या शरीरक उम्र कहने हैं। तो साढ़े द्वारा जिहड़ा नैक्सट पॉइंट फाइंड किया जाना वह रमेश की मानसिक उम्र की होगी, असी ये पता करना। तो सूत्र तुहानू सारयां नू क्लीयर है जी, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई 100। हुण रमेश की मानसिक उम्र कढ़न दे लई साढ़े कोल रमेश की सी ए होनी चाहिए है। ठीक है, तो फिर ही असी इहदा आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि असी इहदी मानसिक उम्र दसनी है। तो तुहानू सारयां नू आई क्यू का सूत्र क्लीयर है जी, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए बटा सी ए गुणा 100। तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना, देखो रमेश अते अंकित का आई क्यू समान है, इट मीनस साढ़े कोल आई क्यू की वैल्यू है जी दिती हुई 120। तो असी इस आई क्यू की जगह पर 120 की वैल्यू रखांगे। उस बाद इज इक्वल टू एम ए की है, एम ए उन्होंने यह क्या, कहिंदे जे अंकित की उम्र 12 साल की है तो रमेश की मानसिक उम्र की होगी। उस तो पहले एक गल होर कही उन्होंने, कहिंदे रमेश अंकित तो 2 साल छोटा है। जे रमेश अंकित की उम्र 12 साल की है, रमेश ये तो 2 साल छोटा होगा, तो जी 10 साल उम्र होगी वो रमेश की कि उम्र बन जाएगी जी, वो सी ए बन जाएगी। तो इतने एक चीज़ ये बन गई कि जी 10 साल उम्र है वो शरीरक उम्र रहेगी। साढ़े द्वारा उत्थे एम ए पता किया जाना, तो वैल्यू
मल्टीप्लाई 100। क्लीयर है? उस तो बाद इसनू डिवाइड कर सकते हो जी एस ये नाल, तां साढ़े कोले जिहड़ी वैल्यू निकल के आएगी 120 इज इक्वल टू एम ए गुणा 10। फॉर्मूले दे विच असीं इस तरीके नाल फिल कीता सी, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए बटा सी ए गुणा 100। तो आई क्यू की वैल्यू असी रखी सी 120, तो एम ए की गिनती रखी सी, एम ए असी फाइन करना सी, एम ए उस तरीके नाल लिखा जाएगा, सी ए असी इधर कट चुके सी 10 ते गुणा हो गया सी 100। इहनू तुसीं डिवाइड कर लो जी, तो यह वैल्यू तुहाडे कोल आ बन जाएगी नैक्सट 120 इज इक्वल टू एम ए गुणा 10। इस तों बाद नैक्सट की करना है, नैक्सट साढ़े को 120 बराबर एम ए गुणा 10 सी, तो जिहड़ा मल्टीप्लाई एम ए दे नाल हो रहा वो इहदे आके बटा हो जाएगा, जीरो ना जीरो कट हो जाएगी, तो एम ए जिहड़ी निकल आएगी वह किन्नी आ जाएगी 12। तो साढ़े क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर बन जाएगा वह की बन जाएगा जी 12 साल। तो रमेश की जिहड़ी मानसिक उम्र वह किन्नी होगी जी 12 साल होगी। तो ये एम ए की वैल्यू कितनी निकली आई सी 12, तो जी रमेश की उम्र रहेगी कितनी रहेगी 12 साल। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ क्लीयर हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन को तुम इस फॉर्मूले के नाल दोबारा खुद करके देख सकते हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही ऑलरेडी एग्जाम के आ चुके है जी, इनू पूछा जा चुका। जे तुम्हें यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अगे अपने फ्रेंड्स के नाल जरूर शेयर करो, तो साडा चैनल हैगा कॉम्पीटिशन ऑफ मुक्सर यूट्यूब के उपर जाके सबसक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो किसी भी तरह की क्वेरी लिए तुसी सानू कमेंट बॉक्स के दस सकते हो, तो असी तुहाडे कोशिश करांगे कि तुहाडे सवालों के जवाब आ जिहड़े उस जगह ते तुहाडे दित्ते जाण।